सबसे पहली सूचना तो हम आप लोग को ये बता दें कि सभी बच्चे स्वस्थ होके घर लौट चुके हैं। अब पीएमसीएच में कोई बच्चा, अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, कोई वहां नहीं है। यह बात सही है कि बच्चों को एक तो गर्मी का असर था, कुछ जैसी समझ में आ रही है बात कि खाने पीने रहने में भी दिक्कत की बात सामने आ रही है, उसके लिए हम लोगों ने मजिस्ट्रेरियल इंक्वायरी के लिए कह दिया है, और जिस किसी पदाधिकारी का दोष पाया जाएगा उसके विरुद्ध जरूर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आखिर बच्चे तो हमारे मेहमान थे, हमने उनको बुलाया था, बिहार दिवस का आयोजन था। और ये समझिए ना कि हजारों बच्चे आए, उसमें से मात्र कुछ लोगों को ये परेशानी हुई। यह परेशानी किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए थी, कई जगह बच्चे ठहरे थे। एक जगह के बारे में कुछ बात आई है, उसकी जांच हम लोग करा रहे हैं, और अगर किसी का नेग्लिजेंस या किसी की कोई उपेक्षा या किसी का कोई कमी पाई जाएगी, जरूर कार्रवाई की जाएगी। और अभी तक जो देखने में आ रहा है कि अधिकतर जो डॉक्टरों से हमने बात की थी, पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट से भी हमने बात की थी, कि वो बच्चों को गर्मी के साथ साथ कुछ खाने पीने में हो सकता है इधर उधर की चीज खा लिए होंगे, इसलिए आखिर क्यों इतना भी गड़बड़ी, इतने ही थोड़ी ही देर के लिए क्यों उनकी तबीयत बिगड़ी, इसकी हम लोग जांच करा रहे हैं। और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारे अधिकारी या जिनको जिम्मेदारी थी व्यवस्था करने की, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि सरकार और विभाग की तरफ से हम लोगों ने कहा था कि बच्चों की सुविधा, आवासन हो, खान पान हो या यातायात की हो, उसमें कोई दिक्कत किसी भी रूप में नहीं आनी चाहिए।